ग्वालियर जिले के डबरा की एक महिला को उसके पति द्वारा एसिड पिलाकर मारने के मामले में राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने और आरोपियों को गिरफ्तार न करने का आरोप लगाया है। घटना बीते दिनों की है। पुलिस का कहना है कि मामला तो दर्ज है पर महिला के परिजनों के कारण आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आपको बता दें कि डबरा के रामगढ़ मोहल्ले में रहने वाली नवविवाहिता को उसके पति वीरेंद्र ने एसिड पिला दिया जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल ग्वालियर और उसके बाद दिल्ली ले जाया गया। तब से लेकर उसका अब तक इलाज जारी है। घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने महिला की मां की शिकायत पर पति और दो अन्य लोगों पर दहेज एक्ट का मामला दर्ज कर लिया था पर इस मामले में ना तो कोई बड़ी धारा के तहत मामला दर्ज किया और ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीन तारीख को जो पीड़िता है इसकी माँ थाना डबरा में आई थी और उसने ये रिपोर्ट की थी कि उसकी लड़की की शादी यहाँ डबरा में हुई है और उसका पति जो है उसको दहेज के लिए परेशान करता है और इससे परेशान होकर उसने एसिड पी लिया है। इस पर से थाना डबरा में 498A IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और ये जो पीड़िता है ये इलाजरत थी। ये दिल्ली रेफर हुई, इसके बाद थाना डबरा से जो IU है विवेचक है उनको दिल्ली भेजा गया और दिल्ली में उसने पीड़िता के बयान लिए पीड़िता के पिता के समक्ष और मीनवाइल जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बयान होते हैं वो कराए गए। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो बयान पीड़िता ने दिया उसमें उसने ये बताया कि उसको उसके पति और उसकी भाभी और उसकी ननद तीनों लोग परेशान करते हैं और पति और भाभी ने इसको जो एसिड होता है ये पिला दिया है। तो ये बयान हुए, ये बयान आज विवेचक के द्वारा थाना डबरा में प्राप्त हुए और इस बयानों के आधार पे जो प्रकरण है उसमें धारा 307 भारतीय दंड विधान की बढ़ा दी गई है।